क्लास 11th बच्चों आज आपको बताएंगे माइकोप्लाज्मा क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, प्रकार क्या है, प्रोटिस्टा क्या है, क्राइसोफाइट क्या होते हैं, डायनोफ्लाजेलेट क्या होता है, यूग्लेनोइड क्या होता है। इन सबको मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक, आपको मैंने ये सब चीज़ें पढ़ा दिया है। अब इसके नोट्स आप देखते चलो, चलिए देखते हैं माइकोप्लाज्मा को हिंदी में क्या कहते हैं। माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक। माइकोप्लाज्मा मतलब ऐसे जीवधारी जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, सबसे छोटे सजीव होते हैं और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। ये पौधों और जंतुओं में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक। ये तो हो गया माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई आपको कि ऐसे जीवधारी जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, सबसे छोटे सजीव होते हैं, ऑक्सीजन के अनुपस्थित में भी जीवित रह सकते हैं और पौधों और जंतुओं में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। चलिए अब देखिए प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा क्या लक्षण होते हैं कि इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, ये कोशिकीय यूकैरियोटिक सजीव को रखा गया है। प्रकाश व अप्रकाश संश्लेषी दोनों प्रकार के सजीवों को रखा गया है। इसमें सुसंगठित केंद्रक और झिल्लीयुक्त कोशिकांग होते हैं। कोशिका भित्ति उपस्थित होती है या अनुपस्थिति होती है। पोषण स्वपोषी होता है या परपोषी होता है। इनमें चलन पश्चमाभ या कशाविका के द्वारा होता है, पश्चमाभ के द्वारा होगा या फिर कशाविका के द्वारा होगा। और ये अलैंगिक कोशिका संलयन तथा अलैंगिक जनन द्वारा प्रजनन करते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट, डायनोफ्लाजेलेट, यूग्लेनोइड, अपंख कवक और प्रोटोजोआ को शामिल किया गया है। क्राइसोफाइट कहाँ पाए जाते हैं, स्वच्छ जल लवणीय पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। इस समूह में डायटम्स और सुनहरे शैवाल आते हैं। डायटम में दोहरी सिलिकामय भित्ति पाई जाती है जिससे कि ये नष्ट नहीं होती है, और मृत डायटम बड़ी संख्या में भित्ति अवशेष छोड़ते हैं जो डायटमी मृदा में बदल जाती है। कणमय होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने में, तेलों और सिरप के निस्यंदन में किया जाता है। अब आते हैं, बात करते हैं डायनोफ्लाजेलेट की। तो डायनोफ्लाजेलेट जो है बच्चों, ये मुख्यतः समुद्री होते हैं और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें पीले हरे भूरे शैवाल, नीले पीले भूरे नीले और लाल वर्णक दिखाई, यानी कलर दिखाई देता है। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इनमें दो कशाव पाए जाते हैं, एक लंबवत होता है, दूसरा अनुप्रस्थ रूप में खांच में स्थित होता है। जो लाल डायनोफ्लाजेलेट होता है वो विस्फोटक से समुद्र का रंग, उसका अगर विस्फोट होता है समुद्र का रंग कैसा दिखाई देने लगता है, लाल दिखाई देने लगता है, जिससे निकले जहर मतलब विष से बड़ी संख्या में मछली और समुद्री जीव मर जाते हैं। एग्जाम्पल गोनियोलैक्स, जैसे गोनियोलैक्स। यूग्लेनोइड की बात करूँ तो स्वच्छ जल और स्थिर जल में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति के स्थान पर प्रोटीन युक्त पॉलिकल होती है जो इनकी संरचना को लचीला बनाती है। इनमें एक छोटा व बड़ा दो कशाव होते हैं। कुछ पौधों की तरह ये हरित लवक होते हैं, अतः ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, जैसे कि यूग्लिना। अपंख कवक में ये मृतपोषी प्रोटिस्टा होते हैं, सड़ी गली पत्ती टहनियों और से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अनुकूल समय आने पर समूह और प्रतिकूल समय में बीजाणु बनाते हैं। प्रोटोजोआ की बात करो तो प्रोटोजोआ तो आप सभी लोग जानते हो, ये परपोषी होते हैं और जो कि इनको प्रोटिस्टा वर्ग में रखा गया है, ठीक। अब हम बात करेंगे कवक क्या होता है, उसके उदाहरण क्या है, प्रकार क्या है। प्रोटोजोआ, अमीबी, कशाबी, पचमाबी, स्पोरोजोआ, इन सारे टर्म्स के बारे में हम आपसे शेयर करेंगे। चलिए प्रोटोजोआ क्या होता है, प्रोटिस्टा में रखे गए जो जीव होते हैं वो प्रोटोजोआ होते हैं, जैसे ये परपोषी होते हैं। गति करने के आधार पर चार प्रकार के होते हैं, अमीबी प्रोटोजोआ, कशाबी प्रोटोजोआ, पचमाबी प्रोटोजोआ और स्पोरोजोआ, ठीक। जो अमीबी प्रोटोजोआ होते हैं वो स्वच्छ जल में, समुद्री जल में और नम्रदा में पाए जाते हैं। गुडपात की सहायता से गमन और शिकार करते हैं, कि कुछ सदस्य परजीवी होते हैं जैसे कि अमीबा। कशाबी प्रोटोजोआ जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं या परजीवी होते हैं। इनमें गति करने के लिए कशाव पाए जाते हैं। इनमें कुछ सदस्य जो होते हैं वो निद्रालु रोग उत्पन्न करते हैं जैसे कि ट्रेपैनोसोमा।
पचमा भी प्रोटोजोआ जो होते हैं वो जलीय व तीव्र गति करने वाले जीव होते हैं। इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पचमा पाए जाते हैं जिनकी सहायता से ये गति और भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि पैरामेशियम। स्पोरोजोआ ये संक्रमणकारी प्रोटोजोआ होते हैं, इनमें गमन करने के लिए कोई अच्छे नहीं होता है। ये अपना जीवन चक्र कम से कम दो परपोषियों में पूरा करते हैं। अधिकांशतः रोगजनक होते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का निवास स्थान कहाँ है? मच्छरों के अंदर, है ना। और मच्छर क्या करते हैं? मलेरिया रोग फैलाते हैं, वहाँ का काम करते हैं। कवक की बात करें तो कवक में तो एक आप सभी जानते हो इसमें पराडिम का अभाव होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज और काइटिन की बनी होती है। इनका शरीर धागे के समान संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जिसे हम कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु आपस में मिलकर कवक जाल बनाते हैं। और कवक गर्म, नर्म, छायादार अथवा कम प्रकाश वाले स्थानों पर रहते हैं। पोषण के आधार पर कवक परजीवी होते हैं या मृतोपजीवी होते हैं। कभी कभी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और ग्लाइकोजन भी पाया जाता है। कवक में कायिक जनन जो होता है वो खंडन, विखंडन और मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ पे मुलुकन लिखा हुआ है, इसको आप मुकुलन लिखिएगा। और अलैंगिक जनन बीजाणु द्वारा होता है, यानी कि कोनेडिया के द्वारा है। ये मैंने आपको कल ही अभी पूरा कल और परसों दो दिन मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से इसको पढ़ा दिया है कवक के बारे में। आई होप आपको अब सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक, चलो अब देखो अलैंगिक जनन क्या होता है, फाइकोमाइसिटीज़ क्या है, एस्कोमाइसिटीज़ क्या है, बैसिडियोमाइसिटीज़ क्या है, ड्यूटेरोमाइसिटीज़ क्या है। ठीक, एक एक टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है बच्चों। अब अगर आप नहीं समझ में आता तो फिर बहुत गलत बात है, हर एक चीज़ आपको बताया जा चुका है। चलिए अलैंगिक जनन देखिए, यानी कि फाइकोमाइसिटीज़ और जाइगोमाइसिटीज़ इन हिंदी, जिसको हम कहेंगे संयुग्मी और विषम युग्मी, दो प्रकार का होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो होता है उस पर एस्कस बीजाणु और किसके द्वारा होता है? बैसिडियम बीजाणु के द्वारा होता है। बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं के रूप में उत्पन्न होते हैं जो कि फलनकाय बनाते हैं, जो तीन चरणों में पूरा होता है। जिस पहला एक पहला चरण क्या है? अचल युग्मों के या दोचल के युग्मों के प्रिय प्लाज्म का संलयन होता है, जिसे प्लाज्मोजेमी कहते हैं। यानी कि दो युग्मों का संलयन होता है जिसको हम प्लाज्मोजेमी कहते हैं। दो युग्मों के केंद्रकों का संलयन होता है जिसे हम केंद्रक संलयन कहते हैं। और निषेचन से बने युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन के कारण क्या बनता है? अगुणित बीजाणु बनता है जो कि फलनकाय होता है। चलिए फाइकोमाइसिटीज़ के बारे में देख लीजिए क्या होता है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। पहला तो ये इस वर्ग के कवक जलीय आवास सड़ी गली लकड़ी नम और सीलन वाले स्थान पर, यानी कि पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनका कवक जाल पर रहित और बहुकेंद्री होता है। अलैंगिक जनन चल बीजाणु या अचल बीजाणु द्वारा होता है। दो युग्मों के संलयन से युग्माणु बनते हैं। युग्मक आकार की दृष्टि से संयुग्मकी, असंयुग्मकी और विषम युग्मकी होते हैं, जैसे म्यूकर, राइजोपस और एल्बिगो। एस्कोमाइसिटीज़ ये थैली कवक होते हैं। इनका अधिकांश स्थली किंतु कुछ सदस्य जलीय भी होते हैं, यानी कि जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। ये मृतोपजीवी होते हैं, अपघटक, परजीवी और इमरागी होते हैं। ईस्ट को छोड़कर सभी सदस्य बहुकोशिकीय जाल बनाते हैं। इनका जाल जो होता है वो षटयुक्त होता है। इनमें कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन होता है। कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अलैंगिक जनन उलेमाइडोस्पोर कोनिडिया या आइडिया द्वारा होता है, आइडिया के द्वारा होता है। लैंगिक जनन युग्मक धानियों के संपर्क के द्वारा होता है, जिसके फलस्वरूप एस्कस बनता है जिसको हम एस्कोस्पोर्स कहते हैं, जैसे ईस्ट, पेंसिलियम और एस्परजिलस नीरोस्पोरा, ये इसके एग्जाम्पल है। बैसिडियोमाइसिटीज इस वर्ग के कवक जो है वो मिट्टी में, लट्ठों में और वृक्ष के ढूंढों पर, यानी सजीवों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कायिक जनन की शाखित होती है, प्रयुक्त होती है। कायिक जनन खंडन विधि द्वारा होता है, अलैंगिक जनन पाया नहीं होता है। लैंगिक अंग इनमें नहीं होता है, परंतु दो कायिक कोशिकाओं का संलयन होता है जिसमें बैसिडियम बनते हैं। बैसिडियम फलनकाय में लगे रहते हैं जिसे बैसिडियम कॉर्प कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो पॉक्सिनिया, एगोरिकम, ऑस्टैलिगो। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में आइए, ये इनमें प्रायः अपूर्ण कवक होते हैं, इनको हम अपूर्ण कवक कहते हैं। इन कवकों की केवल कायिक अवस्था ही ज्ञात है। इस वर्ग के सदस्य केवल अलैंगिक कोनेडिया
अलैंगिक कोनिडिया बीजाणु द्वारा जनन करते हैं। इनमें जो माइसीलियम होता है यानी कवक जाल होता है वो शाखित होता है और पटयुक्त होता है। ये मृतोपजीवी होते हैं और परजीवी होते हैं, लेकिन इसके अधिकांश सदस्य जो हैं वो अपशिष्ट के अपघटक होते हैं। ये खनिजों के चक्रण में सहायक होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अल्टरनेरिया, पोलिट्रोय, टोटाइलम और ट्राइकोजर्मा, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और ये हो गया आपका कवक के बारे में। इसके बारे में और आपको आगे और चीज़ें बताई जाएंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बच्चों, थैंक यू सो मच।